हेलो। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, चलिए हम शेक्सपियर पर क्रिटिसिज्म शुरू करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा डिले कर गया। चलिए, ये जो लेक्चर है ये कल की सीरीज को ही मैंने आगे बढ़ाया है। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि मैं शेक्सपियर के ऊपर कुछ लेक्चर्स दूंगा ताकि आप लोगों का जो शेक्सपियर का फियर है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शेक्सपियर सबसे इंपॉर्टेंट राइटर्स में से एक है, तो हम उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी देखिए ताकि आपको थोड़ा सा उसमें हेल्प मिल सके। तो देखिए, सबसे पहली बात, आपको सबको पता है कि विलियम शेक्सपियर एक बहुत ही फेमस इंग्लिश पोइट हैं, प्ले राइट हैं, एक्टर हैं। इन्हें लिटरेचर का ग्रेटेस्ट राइटर माना जाता है। यूपी पीजीटी टीजीटी दोनों के अंदर शेक्सपियर बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर्स में से एक है। काफी सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। आप कोई भी वर्क कर रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो शेक्सपियर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपको भी पता और मुझे भी पता है, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जो लास्ट वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं कि इसे इंग्लैंड का नेशनल पोइट भी कहा जाता है, बार्ड ऑफ हेवन कहा जाता है। आपको सबको ये बात पता है। इसने लगभग 39 प्लेज लिखी हैं, 154 सोनेट्स लिखी हैं, 2 लॉन्ग नरेटिव पोइम्स लिखी हैं और कुछ अदर वर्क्स लिखी हैं। कुछ वर्क्स इसके ऐसे भी हैं जिनमें इसकी अथॉरिटी अनसर्टेन है, हमें नहीं कंफर्म है कि उसने लिखा है या नहीं लिखा है। जो इसका जन्म था ये स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन वार्विकशायर इंग्लैंड में हुआ था, और 1585 से 1592 के बाद ये लंदन में एक एक्टर बन गया। ये सबसे पहले काम करता था लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन के लिए। इसका नाम, जब ये क्वीन इंग्लैंड का टाइम था, जब क्वीन इंग्लैंड रानी थी, तब इस प्लेइंग कंपनी को लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन कहा जाता था। बाद में जब 1603 में जेम्स फर्स्ट राजा बने तब इसे किंग्स मैन कहा जाने लगा।
1589 से लेके 1613 इसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क पीरियड है। लगभग सब फेमस जो प्ले है इसने इसी टाइम लिखे थे। 1608 तक इसने हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ये जो चार फाइनेस्ट ट्रेजेडीज मानी जाती हैं, इनको इसने लिख दिया था। और हमें इनको बहुत डिटेल में पढ़ना है क्योंकि लगभग एग्जाम आपके इन्हीं से ही घूम फिर कर आते। बाकी वर्क इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ये सब बातें आपको पता है या आपको मैंने आज सिर्फ स्टार्टिंग बताई। कल के वीडियो में हमने इनको अच्छे से डिस्कस किया था। कल के वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था 1623 के अंदर शेक्सपियर के दो फ्रेंड्स थे, जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डोल। इन दोनों ने मिलकर फर्स्ट वर्क लिखा जिसका नाम था फर्स्ट फोलियो। ये शेक्सपियर का पोस्थ्यूमियस कलेक्टेड एडिशन था क्योंकि शेक्सपियर तो तब तक मर चुका था और इन्होंने ये लिख दिया और इन्होंने इसके सारे वर्क्स को ऐड कर दिया। पर इसमें इन्होंने दो वर्क्स छोड़ दिए थे, ठीक है। इसकी खासियत ये है कि इस वॉल्यूम के प्रीफेस में बेन जॉनसन की एक पोयम थी जिसमें बेन जॉनसन ने शेक्सपियर को ये लाइन दी थी, नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ये क्वेश्चन बनता है कि बेन जॉनसन की 1623 का जो फर्स्ट फोलियो था उसका प्रीफेस में जो पोएम थी वो किसने लिखी थी, या ये लाइन नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ये जो वर्क है ये बेन जॉनसन की किस पोएम में से लिया गया है। ये वो फर्स्ट पोएम है। मैंने इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं निकाल कर लाया हूं। दिस फिगर दैट दाउ हेयर हैज पुट इट वाज फॉर जेंटल शेक्सपियर कट वेयर इन द गोर हैड ए स्ट्राइफ विद नेचर टू आउटडू द लाइफ ओ कुड ही बी बट ड्रावन हिज विट एज वेल इन ब्रेस एज ही हैथ हिट His face printed would then suppress all that was ever writ in brace. But since he cannot reader look not on his picture but his book. ये इसकी बहुत ही famous lines हैं, इनको आप देख लीजिएगा। Shakespeare का education King's New School Stratford में हुआ था। 18 की एज में Shakespeare ने अपने से 8 साल बड़ी Anne Hathaway से मैरिज कर ली थी। ईयर था 1582 जिससे इसके दो बच्चे पैदा हुए थे जो हमने कल डिस्कस किया था। निकोलस रोव शेक्सपियर के फर्स्ट बायोग्राफर माने जाते हैं। तो यह बात आपको याद रखनी है कि शेक्सपियर का फर्स्ट बायोग्राफर कौन था, निकोलस रोव था। इन्होंने एक लीजेंड बताया था कि शेक्सपियर लंदन इसलिए भाग गया था क्योंकि वहां के जो लोकल स्क्वायर होते जमींदार, लोकल जमींदार थॉमस लूसी की वहां पर उसने जाकर हिरण का शिकार किया था जिसके कारण उसे सजा होनी थी। सजा से बचने के लिए वो स्टैनफोर्ड एट एवन को छोड़कर लंदन चला गया। उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शेक्सपियर पर कई बार आ चुका है, रॉबर्ट ग्रीन, इसने अपने ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट के अंदर शेक्सपियर पर अटैक किया था। इसने शेक्सपियर को एन अपस्ट्रेट क्रो कहा था। ये जो लाइन है ना एन अपस्ट्रेट क्रो, इस लाइन के पर ही नेट में एक बार क्वेश्चन आया है कि किसने शेक्सपियर को एन अपस्ट्रेट क्रो कहा था। पूरा का पूरा ये है, देयर इज एन अपस्ट्रेट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स दैट विद हिज टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन ए प्लेयर्स हाइट सपोज ही इज एज वेल एबल टू बॉम्बास्ट आउट ए ब्लैंक वर्स एज द बेस्ट ऑफ यू एंड बीइंग एन एब्सोल्यूट जॉनसन फैक्टोटम is in his own conceit the only Shakespeare in a country. जी हां प्रियंका जी, अपस्ट्रेट क्रो जो फेमस लाइन्स हैं वो यही हैं,
और ये लिखने वाले थे रॉबर्ट ग्रीन। अब आपको ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है ताकि एग्जामिनर हमें कहीं भी चीट ना कर सके और हम हमारे अच्छे स्कोर ले सके। पूरा का पूरा याद कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड है फर्स्ट फोलियो, जो कल भूप सिंह जी ने पूछा था। भूप सिंह जी अगर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सेकंड फोलियो जो था 1632 में लिखा गया था, फर्स्ट फोलियो लिखा गया था 1623 में, और इसको ही उल्टा कर लीजिए 1632। ये फर्स्ट फोलियो है, ये सेकंड फोलियो है। इसके अंदर कुछ लैंग्वेज चेंज की गई थी शेक्सपियर की, और सेकेंडली इसमें लगभग 1700 जगह पर चेंज हुए थे। ये बातें हमें याद रखनी है, सेकेंड वाले में ये चेंज हुए थे। एक और खास टर्म है फाल्स फोलियो। फाल्स फोलियो जो शेक्सपियर के स्कॉलर्स और बायोग्राफर हैं, वो विलियम जैगर्ड नाम का एक पर्सन है, उसने शेक्सपियर के 10 शेक्सपियरियन एंड स्यूडो शेक्सपियरियन प्ले को इकट्ठा करके 1619 में लिख दिया। अब इसे हम कहते हैं फाल्स फोलियो। फाल्स फोलियो इसलिए कहते हैं क्योंकि फर्स्ट फोलियो जो मैंने आपको बताया ना 1623 में लिखा गया था, वैसे इसे शेक्सपियर के वर्क का एक सिंगल वॉल्यूम माना जाता है। ठीक है जी, मैं ध्यान रखूंगा, जहां आप कहोगे वहां हटा दूंगा। अब हमें क्लियर हुआ 1619 में विलियम जागर्ड ने लिखा था, इसे फाल्स फोलियो कहा जाता है, 1623 वाले को फर्स्ट फोलियो कहा जाता है, और 1632 वाले को सेकंड फोलियो कहा जाता है। ये फाल्स फोलियो है। जो शेक्सपियर के प्लेस थे उनमें 19 प्लेस जो थे वो एक क्वार्टो में आए थे। सबसे पहले 1623 में फर्स्ट फोलियो आया था, उससे पहले जो थे वो एक क्वार्टो में आए थे, और बाद में एक प्ले जॉन फ्लेचर के साथ शेक्सपियर ने मिलकर लिखा था। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, द टू नोबल किंग्समैन, ये प्ले 1634 में पब्लिश्ड हुआ था। और एक प्ले था द टेमिंग ऑफ द श्रू, बहुत ही शानदार प्ले है द टेमिंग ऑफ द श्रू। गोविंदा की इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है द टेमिंग ऑफ द श्रू के ऊपर, जिसमें एक बहुत फेमस गाना था नीचे पान की दुकान, नाम आप मुझे बता दीजिएगा, मेरे को मूवीज का नाम ध्यान नहीं रहता। तो हमें क्या देखना है, जॉन फ्लेचर ने जो वर्क लिखा था द टू नोबल किंग्समैन, ये सबसे पहले 1634 में पब्लिश्ड हुआ था। ये हमें याद रखना है, 1634 में ये पब्लिश्ड हुआ था। और द टेमिंग ऑफ द श्रू है वो फर्स्ट फोलियो में तो था लेकिन क्वार्टो में नहीं था। अब ये क्वार्टो क्या है, क्वार्टो पहले जब बुक छापी जाती थी तो बुक को छापने का एक तरीका था, एक पेज के ऊपर प्रिंटिंग में ना ऐसे करके चार इकट्ठे करके छाप देते थे, यानी कि एक साइड टेक्स्ट यहां, एक साइड टेक्स्ट यहां, एक साइड यहां, एक साइड यहां, इसे कहा जाता था क्वार्टो। तो जो शेक्सपियर का फर्स्ट क्वार्टो था उसके अंदर जो ये प्ले था ना, ये द टेमिंग ऑफ श्रू, ये प्ले ऐड नहीं था, बाद में इसे क्वार्टो में भी ऐड कर दिया गया। तो ये जो दो खास चीजें हैं द टू नोबल किंग्समैन एंड द टेमिंग ऑफ श्रू, इन पर एक क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। इसके बाद है विलियम शेक्सपियर की डेथ,
23 अप्रैल 1616 को हुई थी और इसके उनके ऑनर में यूनेस्को इस दिन को द इंटरनेशनल डे ऑफ द बुक के नाम से मनाता है। ये भी हमें याद रखना है, द इंटरनेशनल डे ऑफ बुक। अब हम बात करते हैं शेक्सपियर पर कौन कौन से क्रिटिसिज्म है। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म शेक्सपियर पर दिया है बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन ने यह कहा है, ही रिडीम्ड हिज वाइसेस विद हिज वर्च्यूज, देयर वाज इवन मोर इन हिम टू बी प्रेज्ड देन टू बी पार्डन्ड। एक तो उनकी बहुत ही फेमस ये लाइन है, इस लाइन का मतलब ये है कि उनके अंदर उनके गुण ज्यादा थे, कमियां कम थी। और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस लाइन है, ही वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, इसका एग्जाम में आने के पूरे चांस है, क्योंकि ये बहुत फेमस लाइन है। नेक्स्ट है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर पर एक सोनेट लिखा था, ऑन शेक्सपियर। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। ये सोनेट उन्होंने 1630 में लिखा था और इस सोनेट की जो खास लाइन है, व्हाट नीड माय शेक्सपियर फॉर इज ऑनर्ड बोन्स, द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल स्टोन्स, और दैट हिज हॉलोड रेलिक शुड बी हिट। बहुत ही फेमस लाइंस है ये जॉन मिल्टन की शेक्सपियर के ऊपर। नेक्स्ट है, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हेयर ऑफ फेम, व्हाट नीड दाउ सच वीक विटनेस ऑफ थाई नेम। ये जो सोनेट है ऑन शेक्सपियर, ये सोनेट शेक्सपियर के सेकंड फोलियो में आया था और तब इसका नाम था एंड माय एडमायरेबल एपिटेफ्ट ऑन एडमायरेबल ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर। तीसरा है सैमुअल पेपिस। सैमुअल पेपिस की जो डायरी है, सैमुअल पेपिस एक फेमस डायरिस्ट हैं। इन्होंने अपनी डायरी में 29 सितंबर 1662 को लिखा, टू द किंग्स थिएटर वेयर वी सा मिडसमर नाइट्स ड्रीम विच आई हैड नेवर सीन बिफोर nor shall ever again, for it is the most insipid ridiculous play that I ever saw in my life। तो इन्होंने बताया कि किंग्स थिएटर में हमने मिडसमर नाइट ड्रीम जो प्ले देखा था, जिसे मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था और ना ही मैं जिंदगी में उसको दोबारा देखूंगा, क्योंकि ये मेरा जिंदगी का देखा हुआ सबसे ज्यादा स्टूपिड रिडिकुलस प्ले है। अब इसी में आपको मैं एक बात और बता देता हूं कि सैमुअल पेपिस की जो डायरी थी वो कोडवर्ड में लिखी हुई थी, तो लॉर्ड ग्रैनविल ने सैमुअल पेपिस की डायरी को 1825 में डिसफर्ड किया था, मतलब उनके जो कोडवर्ड थे उनको लॉर्ड ग्रैनविल ने 1825 में तोड़ दिया था। हां जी प्रियंका जी, कौन सा क्वेश्चन है पूछिए। बोलिए प्रियंका जी, कौन सा क्वेश्चन है आपका। शाही जी आपने लिखा है कि इंग्लिश को कैसे पढूं।
हाँ जी, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि सैमुअल पेपिस की जो डायरी है उसको किसने डिसाइफर किया था। हाँ जी हाँ जी, शाही जी आपने कहा है कि एक वीडियो बनाएं जिसमें ये बताऊं कि इंग्लिश सब्जेक्ट को तैयारी कैसे करूं। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू रजत अंसल जी, आपने मुझे सब्सक्राइब किया है। ड्राइडन कहते हैं, ड्राइडन सेड अबाउट शेक्सपियर इन हिज, देखिए अब हमें वर्क का नाम जरूर याद रखना है कि किसने क्या कहा था। इनका वर्क है एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, ये ड्राइडन का बहुत ही फेमस वर्क है। इस वर्क में उन्होंने शेक्सपियर के बारे में ये बताया है, टू बिगिन देन विद शेक्सपियर ही वॉज द मैन हू ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशियंट पोइट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव सोल। बहुत फेमस है और इसके अंदर क्वेश्चन एक बार नेट में भी आया हुआ है। देखिए हम जो ये तैयारी कर रहे हैं, जो टेट होता है या पीजीटी का पेपर है वो नेट से एक स्टेप नीचे ही होता है, तो क्वेश्चन जो है आपको वही यहां मिलेंगे। अगर आप चेक करेंगे ना तो आप क्या देखेंगे कि जो क्वेश्चन है वो नेट वाले क्वेश्चन ही उठा के यहां डाल देते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बन जाएगी ये, टू बिगेन देन विद शेक्सपियर। अगर हम शेक्सपियर की बात करते हैं तो वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसके अंदर जितने भी मॉडर्न, यानी कि जो मॉडर्न पोइट है और जितने भी एंशियंट पोइट है, उनमें उसकी जो सोल थी वो सबसे लार्जेस्ट, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव सोल थी। हां जी, अब मैं रोज लाइव आया करूंगा, लक सिंगल 8:30 डेली लाइव आया करूंगा और आप लोगों को एग्जाम की तैयारी फ्री में करवाऊंगा और बहुत जल्दी आपका सिलेबस भी जल्दी पूरा करवा दूंगा। हाँ जी प्रियंका जी, नेट का पेपर इस बार थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि अब टफ कंपटीशन बढ़ता जा रहा है ना। थॉमस रीमर ने कहा था, उन्होंने थॉमस रीमर ने ओथेलो पर अटैक किया था, उन्होंने बोला था द मोरल श्योर ऑफ दिस फेबल इज वेरी इंस्ट्रक्टिव। अब इन्होंने ओथेलो को एक फेबल कह दिया था। फेबल होता है जिसे हम कहते हैं कि जिसमें जानवर भी बोलते हैं, तो इन्होंने ओथेलो को एज ए जानवर मान लिया था, जो उसने कहा था कि ये ओथेलो की जो फेबल है ये बहुत ज्यादा उपदेश देने वाली है। जोसेफ एडिसन ने कहा था अमंग द इंग्लिश, अंग्रेजों में शेक्सपियर हैज इनकंपेरेबली एक्सेल्ड ऑल अदर। जोसेफ एडिसन ने कहा था कि अंग्रेजों में शेक्सपियर सबसे ज्यादा शानदार व्यक्ति हैं। अलेक्जेंडर पोप ने शेक्सपियर के बारे में, उनका एक वर्क था प्रीफेस टू पोप्स एडिशन ऑफ शेक्सपियर, उसमें उन्होंने लिखा था हिज कैरेक्टर्स आर सो मच नेचर हरसेल्फ दैट इट इज ए सॉर्ट ऑफ इंजरी टू कॉल देम बाय सो डिस्टेंट ए नेम एज कॉपीज ऑफ हर। जो अलेक्जेंडर पोप ये कहते हैं कि जो शेक्सपियर के जो करैक्टर्स हैं वो इतने ज्यादा, उनकी जो नेचर इतनी ज्यादा डिफरेंट है कि अगर हम उन्हें कॉपी कहते हैं ना तो वो भी उनको इंजरी करना है। सैमुअल जॉनसन ने ये कहा था, उन्होंने शेक्सपियर के ऊपर एक वर्क लिखा है द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर, जिसमें उन्होंने बोला था कि शेक्सपियर्स एडहरेंस टू जर्नल नेचर हैज एक्सपोज्ड हिम टू सेंसर ऑफ क्रिटिक्स हु फ्रॉम देयर जजमेंट अपॉन नैरो प्रिंसिपल्स। बहुत शानदार लाइन है, उन्होंने कहा था कि शेक्सपियर जर्नल नेचर की बात करते हैं जिसके कारण जो क्रिटिक है वो उनकी आलोचना करते हैं और जो क्रिटिक है वो अपने जजमेंट नैरो प्रिंसिपल्स, अपने जो जजमेंट है वो छोटे छोटे सिद्धांतों पर देते हैं, जबकि शेक्सपियर जर्नल नेचर की बात करता है। और इसी वर्क द प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर में उन्होंने कहा था द वर्क ऑफ ए करेक्ट एंड रेगुलर राइटर इज ए गार्डन एक्चुअली फॉर्म्ड एंड
diligently planted, varied with shades and scented with flowers. The composition of Shakespeare is a forest. बहुत शानदार लाइन है. उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई करेक्ट और रेगुलर राइटर होता है, वो जब लिखता है तो उसके वर्क को हमें गार्डन मान सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है और बड़ी मेहनत से उसके अंदर पेड़ पौधे फूल वगैरह उगाए गए हैं. लेकिन उसी टाइम में अगर हम शेक्सपियर के कंपोजिशन की बात करते हैं, एक करेक्ट राइटर के का जो वर्क है वो तो एक गार्डन टाइप है, जिसके अंदर कुछ फूल खिले हैं और कुछ पेड़ लगे हैं. लेकिन शेक्सपियर का जो वर्क है ना, वो तो एक फॉरेस्ट है, वो तो एक जंगल है. और अब आपको पता है ना जंगल में क्या क्या कुछ होता है. जॉनसन ने यह भी कहा था कि शेक्सपियर ओपन्स अ माइन विच कंटेन्स गोल्ड एंड डायमंड इन इनएग्जॉस्टेबल प्लंटी, दो clouded by incursion based by impurities and mingle with a mass of meaner minerals. वो कहते हैं कि शेक्सपियर हमारे सामने एक खान खोल देते हैं जिसमें सोना भी है, जिसमें हीरे भी हैं, और बहुत सारे सोना और बहुत सारे हीरे हैं, लेकिन उसके साथ में उनके साथ में क्या है, impurities भी हैं. और इसके अलावा उनके वर्क में मिनरल मटेरियल भी है. मतलब सारा का सारा शेक्सपियर टॉप क्लास नहीं है. शेक्सपियर की जो हमारे सामने जो एक अपने वर्क की एक खान खोलते हैं, उसमें बहुत सारा कुछ टॉप क्लास का है, लेकिन साथ में कुछ कुछ जो चीजें हैं वो मिनरल है, कुछ हल्कापन भी है. हमारा काम है हमें शेक्सपियर में जो डायमंड है उसे छांटना है और मिनरल को अलग करना है. और नेक्स्ट है, शेक्सपियर राइट्स अबाउट मोरल पर्पस एंड इज मोर केयरफुल टू प्लीज देन टू इंस्ट्रक्ट. शेक्सपियर बिना किसी मोरल पर्पस के लिखते हैं. शेक्सपियर राइट्स विदाउट मोरल पर्पस. शेक्सपियर बिना हां जी शर्मा जी, एज के साथ ही प्रिपरेशन करवाऊंगा. शेक्सपियर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है. कल से मैं ना सबसे पहले आपको लिटरेरी हिस्ट्री ही करवाऊंगा, और कोशिश है कि मैं आपकी दो क्लास लू डेली, जिनमें एक क्लास में हम कुछ वर्क हम ग्रामर का भी कर सकें. क्योंकि कईयों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सर ग्रामर करवाइए, और देखिए भाई बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं लग सकते हैं. तो मेरी कोशिश यही है कि जो कोचिंग नहीं लग सकते हैं उनकी अगर मैं कोई हेल्प कर सकूं तो मुझे बड़ी खुशी होगी. आज तो जो ये शेक्सपियर पर मेरा एक ऐसे ये जो मेरा वर्क है ये पहले ही रेडी था, तो मैंने कहा पहले आपको ये करवा दूं. नेगेटिव का मैं जो क्रिटिसिज्म है प्रियंका जी, वो इसके अंदर मेरे को जितना भी मिल सका ना मैंने सारा ढूंढ ढूंढ कर लिख दिया. अब आप ये आप देख लीजिए कि कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है. शेक्सपियर बिना किसी मोरल पर्पस के लिखते हैं और वो हमें खुश करना ज्यादा चाहते हैं, ना कि हमें इंस्ट्रक्ट करना, हमें कोई उपदेश देना. जॉन वोल्फ गैंग गोथिन का था, देयर इज नो प्लेजर ग्रेटर एंड प्योरर देन विद आईज क्लोज अकंपनी ए शेक्सपियर्स प्ले नॉट डिक्लेम्ड बट रिसाइटेड बाय ए सेफ एंड नेचुरल वॉइस. वो कहते हैं कि आंखें बंद कर अगर हम हमें कोई शेक्सपियर का बड़ी साफ सुथरी आवाज में कोई प्ले सुनाता है ना, तो इससे बढ़िया कोई इंजॉय हो ही नहीं सकता. इससे बढ़िया कोई आनंद वाली चीज नहीं हो सकती है कि हम आंखें बंद कर बैठे हैं और कोई शेक्सपियर का प्ले हमें सुना रहा है. उनका एक वर्क था विलहेम मास्टर्स अप्रेंटिसशिप, इसमें उन्होंने शेक्सपियर के बारे में लिखा था. उन्होंने यानी कि जॉन वोल्फगैंग गोथ ने हैमलेट के बारे में लिखा था, प्रिंस हैमलेट इज सडनली फेसिंग द नीड फॉर ए ग्रेट एक्शन इम्पोज्ड अपॉन योर सोल दैट इज अनएबल टू डू इट. उन्होंने कहा था कि प्रिंस हैमलेट जो हैं, उनको उनके जो आत्मा पर एक ऐसा बोझ आ गया कि उन्हें कोई बहुत बड़ा काम करना पड़ा जिसे करने के लिए वो अनेबल हैं. परहैप्स
No one has made so great as the first major link of wish and duty in individual character as Shakespeare did. उन्होंने कहा कि किसी ने भी विश और ड्यूटी को इतना अच्छे से लिंक नहीं किया है एक इंडिविजुअल करैक्टर हैमलेट में जितना शेक्सपियर ने किया है. नेक्स्ट वर्क है मैकेडो द एसिस. इन्होंने ये लिखा है वन डे व्हेन देयर इज नो मोर ग्रेट ब्रिटेन व्हेन देयर इज नो मोर यूनाइटेड स्टेट्स व्हेन देयर इज नो मोर द इंग्लिश लैंग्वेज will exist Shakespeare, we will speak Shakespeare. बहुत शानदार लाइन उन्होंने कहा है कि एक दिन जब ये इंग्लैंड नहीं होगा, जब यूएस नहीं होगा, जब कोई इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाला भी नहीं होगा, तब भी शेक्सपियर बच जाएगा और हम लोग शेक्सपियर को बोलेंगे. चार्ल्स लैम इनका वर्क है ऑन द ट्रेजडीज ऑफ शेक्सपियर. इसमें उन्होंने लिखा है We talk of Shakespeare's admirable observation of life when we should feel that not from a petty inquisition into those cheap and everyday characters. वो कहते हैं कि जब हम ये जो सस्ते और cheap everyday characters की बात करते हैं तब हमें ये देखना चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए शेक्सपियर ने लाइफ को कितना अच्छे से ऑब्जर्व किया है. शेक्सपियर ने लाइफ को कितना अच्छे से ऑब्जर्व किया है हमें ये देखना चाहिए. थैंक यू लविश रॉय. और विभुदत्त जी हम इग्नू को भी टीच करेंगे लेकिन एट प्रेजेंट तो हम एक बार तो यूपी पीजीटी की तरफ ध्यान देंगे, वो एग्जाम जल्दी आ रहा है. थॉमस ड्यू क्विंसी ने अपने वर्क में जो कि ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, ये क्वेश्चन ही आया हुआ है कि ये ऐसे किसने लिखा था ऑन द नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ. ये लिखा था थॉमस डी क्विंसी ने. इसमें उन्होंने लिखा था ओ माइटी पोइट thy work are not as those of other men simply and merely great works of art but are also like the phenomena of nature. उन्होंने लिखा था कि ओ शक्तिशाली कवि तुम्हारे जो लिखे हुए वर्क है वो दूसरे लोगों जैसे नहीं है बल्कि वो तो सिंपल और आर्ट के महान वर्क हैं, पर उनमें नेचर के फिनोमिना की तरह भी हमें दिखाई देता है. जी बिल्कुल, वो यूनिवर्सिटी विटनी थे पर बहुत शानदार थे. थॉमस कार्लिल ने अपने वर्क ऑन हीरोज हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री, इसमें उन्होंने शेक्सपियर पर ये तीन लाइनें लिखी हैं ना अपार्ट फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी एंड कंसीडरिंग हिम मियरली एज ए रियल मार्केटेबल टेंजिबली यूजफुल प्रोफेशन सॉरी पोजेशन. वो कहते हैं कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात ना करें, आध्यात्मिकता की बात ना करें और हम उन्हें एक मार्केटेबल व्यक्ति माने जो कि इस तो भी हम मान सकते हैं कि वो एक बहुत अच्छे मार्केटेबल मतलब जो मार्केट में बिक सकते थे. दिस किंग शेक्सपियर डज नॉट ही शाइन इन क्राउंड सोवर्जेनिटी ओवर ऑल अस As the noblest, gentlest, yet strongest of railing sign, indestructible, really more valuable in the point of view than any other means or appliance whatsoever. वो कहते हैं कि ये जो शेक्सपियर है क्या वो हमारे ऊपर एक राजा बनकर नहीं चमकता है, वो एक बड़ा ही noblest, gentlest person है और वो जो हमारे को जो साइन दिखाता है वो साइन इंडिस्ट्रिक्टेबल है और वो उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो ज्यादा वैल्यूएबल है, बाकी लोगों के इतने वैल्यूएबल नहीं है जितने पॉइंट ऑफ व्यू इसके वैल्यूएबल है. यस दिस शेक्सपियर इज आवर्स, ये शेक्सपियर हमारा है, वी प्रोड्यूस्ड हिम, इसे हमने बनाया है, वी स्पीक एंड थिंक बाय हिम, हम उसके द्वारा दिए गए शब्दों को बोलते हैं, उसके द्वारा दिए गए शब्दों में सोचते हैं. वी आर ऑफ वन ब्लड एंड काइंड विद हिम,
हमारा और उसका खून एक है और हम उसी की प्रजाति के हैं। विक्टर ह्यूगो बहुत ही फेमस पेंटर थे, उन्होंने लिखा है, इट इज अ लॉन्ग साइलेंस बिफोर द सन्स आंसर, आई विल ट्रांसलेट शेक्सपियर, शेक्सपियर द ओशियन। बेटे के जवाब देने से पहले एक लंबी शांति है कि मैं शेक्सपियर को ट्रांसलेट करूंगा, शेक्सपियर जो कि एक समुद्र है। लियो टॉलस्टॉय, इनका वर्क है टॉलस्टॉय ऑन शेक्सपियर, इस वर्क में उन्होंने लिखा है, आई रिमेंबर द एस्टोनिशमेंट आई फेल्ट व्हेन आई फर्स्ट रीड शेक्सपियर, मुझे आज भी वो जुनून याद है जब मैंने पहली बार शेक्सपियर को पढ़ा था। I expected to receive a powerful aesthetic pleasure. मैं सोच रहा था कि इसको पढ़ने पर मुझे एक शानदार aesthetic pleasure मिलेगा, but having read one after the other works regarded as his best. तो मैं जब एक के बाद एक उनके सारे वर्क पढ़ा पढ़ता गया जिन्हें सब लोग बेस्ट कहते थे, किंग लियर, रोमियो जूलियट, हैमलेट, मैकबेथ, तब नॉट ओनली डिड आई फील नो डिलाइट बट आई फेल्ट एन इरिस्टेबल रिपल्शन एंड टीडियम। तो वो कहते हैं कि ना मुझे इसमें खुशी नहीं हुई बल्कि मुझे इसमें एक रिपल्शन, एक टीडियम फील हुआ। डी एच लॉरेंस ने व्हेन आई रीड शेक्सपियर इस वर्क में उन्होंने लिखा था, जो कि उनका पूरा वर्क था, कंप्लीट पोएम्स ऑफ डी एच लॉरेंस, तब उन्होंने शेक्सपियर के बारे में लिखा था, व्हेन आई रीड शेक्सपियर आई एम स्ट्रक विद वंडर दैट सच ट्रिवियल पीपल शुड म्यूज एंड थंडर इन सच लवली लैंग्वेज। वो कहते हैं कि जब मैंने शेक्सपियर के बारे में लिखा था तब मैं हैरान हो गया कि इतने छोटे लोग जो हैं वो इतनी प्यारी आवाज में, इतनी जोरदार आवाज में बोलते हैं। थैंक यू रजत अंसल, आपने मुझे सुपर चैट भेजे, थैंक यू। सिगमंड फ्रायड, उनका वर्क है मोजेस एंड मोनोथिज्म, इसमें उन्होंने लिखा था, इंसिडेंटली इन दिस मीन टाइम आई स्टॉप टू बिलीव दैट द ऑथर ऑफ शेक्सपियर्स वर्क्स वर द मैन ऑफ स्ट्रैटफोर्ड। वो कहता है कि मैं तो इस बात को विश्वास करने से इनकार कर देता हूं कि शेक्सपियर के जो वर्क का ऑथर है वो स्ट्रैटफोर्ड का व्यक्ति था। डब्ल्यू एच ओडन ने अपने वर्क लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर में ये कहा था, आई फाइंड शेक्सपियर पर्टिकुलरली अपीलिंग इन हिज एटीट्यूड टुवर्ड हिज वर्क। मैं जब शेक्सपियर का जो उनके वर्क के प्रति एटीट्यूड है मुझे वो बहुत ज्यादा अपील करता है। और नेक्स्ट है, शेक्सपियर नेवर टॉक्स हिमसेल्फ टू सीरियसली, शेक्सपियर कभी भी अपने बारे में बहुत ज्यादा सीरियस बात नहीं करता है। टीएस इलियट का वर्क था दांते एंड शेक्सपियर डिवाइडेड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम देयर इज नो थर्ड, कि दांते और शेक्सपियर दोनों ने मॉडर्न वर्ल्ड को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, इसमें से तीसरा हिस्सा कोई नहीं है। इन हिज हैमलेट इन हिज प्रॉब्लम्स, उनका एक वर्क है हैमलेट और उसकी समस्याएं, जो कि द सैक्रेड वुड्स एसे ऑन पोएट्री क्रिटिसिज्म से लिया गया है, उसमें उन्होंने कहा है, we must simply admit that here Shakespeare tackled a problem which proved too much for him. हमें ये मानना चाहिए कि यहाँ शेक्सपियर ने ऐसी समस्या को टैकल किया है जो उसके लिए बहुत ज्यादा है। We should have to understand things which Shakespeare did not understand himself. हमें उन चीजों को भी समझने की जरूरत है जिन्हें शेक्सपियर ने खुद नहीं समझा है। केनेथ बर्क ऑफ शेक्सपियर, इसमें उन्होंने ये कहा है, शेक्सपियर फाउंड मैनी इंजीनियस वेज टू मेक इट सीम दैट हिज ग्रेटेस्ट प्ले अनफोल्डेड ऑफ देमसेल्फ लाइक ए डेस्टिनी रादर देन बाय टेक्निकल एक्सपर्ट स्कीमिंग। शेक्सपियर ने ऐसे बहुत से घटिया तरीके निकाल लिए थे, बहुत सारे इंजीनियस तरीके निकाल लिए थे जिनसे ऐसे लगता है कि उसके जो महान प्ले हैं वो हमारे को अनफोल्डेड दिखते हैं, वो हमें एक डेस्टिनी की तरह दिखते हैं, ना कि एक टेक्निकल एक्सपर्ट की स्कीमिंग की तरह। हैरोल्ड ब्लूम ने अपने वर्क द वेस्टर्न कैनन में ये कहा है, शेक्सपियर इज द कैनन, ही सेट्स द स्टैंडर्ड एंड लिमिट्स ऑफ लिटरेचर। बहुत शानदार लाइनें हैं।
थैंक यू मिथिलेश सिंह जी। ये जो इसमें आपको मैंने जो ये 21 चूज किए हैं, ये मैंने बहुत सारी बुक्स से पढ़कर चूज किए हैं, और आई होप आपको इससे ज्यादा शेक्सपियर के ऊपर वर्क मिलेंगे भी नहीं। हां जी प्रियंका जी, कोशिश पूरी है, अब हम डेली इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे और हम लोग डेली 8:30 पर मिलेंगे। आई होप आप कल भी क्लास में आएंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज आप जरूर पूछिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज जरूर पूछिए। ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। थैंक यू सरिता जी।